वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 23 जनवरी को पूरे देश के मौसम का हाल। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया हमें जरूर बताएं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। आज का लाइक 1000 है, हमें पूरी उम्मीद है आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आपको बता दें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इन राज्यों में भारी बारिश, बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल रात पड़ी बारिश की वजह से मौसम में ठंडक का असर बढ़ गया है। तो वही मौसम विभाग ने ज्यादातर राज्यों में कपा देने वाली ठंड पड़ने के साथ साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि मौसम में यह बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आएगा, जिस वजह से दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। ऐसे में आइए निजी मौसम एजेंसी स्काई मेट्रो वेदर के मुताबिक जानते हैं 23 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों में भीषण ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 25 से 30 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत के तापमान में होगी भारी गिरावट। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने की भी संभावना है। लोगों से घर में सुरक्षित रहने को कहा गया है। इसी बीच कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हो गई, जो अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर जारी रहेगी। अधिक प्रभावित जिले लखनऊ, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, रायबरेली, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, अमेठी, हापुड़ आदि जिले आ सकते हैं भीषण ठंड की चपेट में। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। 22 और 23 जनवरी को तीव्रता बढ़ सकती है और उस अवधि के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों में कई स्थानों पर मध्यम बारिश और हिमपात के साथ एक दो स्थानों पर भारी हिमपात हो सकता है। पंजाब के कुछ हिस्सों और राजस्थान के कई हिस्सों में, उत्तर और पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम और मध्य भागों, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश संभव है। 22 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। 23 जनवरी को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। उप गंगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तटीय ओडिशा में हल्की बारिश संभव है। झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 23 जनवरी को राज्य के कई स्थानों पर बारिश होगी। इस दौरान गढ़वा, डाल्टनगंज, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, गुलमा और हजारीबाग में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 25 जनवरी से प्रदेश के अन्य भागों में भी बारिश हो सकती है। इनमें गढ़वा से लेकर साहिबगंज तक और बिहार से सटे हुए इलाके शामिल है। गुमला, रामगढ़ और बोकारो में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जनवरी को राज्य के कई स्थानों पर बारिश होगी। इस दौरान गढ़वा, डाल्टनगंज, लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, गुमला और हजारीबाग में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 और 25 जनवरी को उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भाग में हल्की बारिश होगी। 23 जनवरी को रायपुर और दुर्ग में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में 23 जनवरी को भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और एक या दो स्थानों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तर में स्थित जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दुर्ग और रायपुर संभाग के शेष भाग और बस्तर संभाग के उत्तर भाग में एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में तथा बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में 24 जनवरी को हल्की बारिश की भी संभावना है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए यूएमबी न्यूज़।